गाइस, डू यू नो पेस्ट टेस्ट क्या होता है और पेस्ट टेस्ट क्यों किया जाता है? पेस्ट टेस्ट यानी कि ट्रायल, किसी भी प्रोडक्ट को पूरे हिस्से में ना लगाने के बजाय एक छोटे से हिस्से में लगाकर चेक किया जाता है कि वो आपके स्किन के लिए सुटेबल है या नहीं। उससे ये जाना जाता है कि कहीं वो आपकी स्किन के लिए एलर्जेटिक तो नहीं, वो आपकी स्किन पे क्या रिएक्ट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव रिएक्शन तो आपको पता ही है कि कोई प्रॉब्लम ना होना, नॉर्मल रहना और आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखना। लेकिन नेगेटिव रिएक्शन मतलब क्या? नेगेटिव रिएक्शन यानी कि आपको उस हिस्से में इरिटेशन, रेडनेस या इचिंग जैसी कोई प्रॉब्लम होना। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ही उसको रिमूव कर देना है, वो पार्ट को साफ कर देना है एंड उसको अपनी बॉडी से हटा देना है। इरिटेशन, रेडनेस और इचिंग मतलब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा तो होगा ही, जैसे कि हम चींटी काटती है। लेकिन अगर ये दिक्कत आपको ज्यादा होती है, आपको अनबेरेबल रहता है, तो ही इसको हम नेगेटिव रिएक्शन में कंसिडर। और ये पैच टेस्ट कोई भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। चलिए मैजिक वैक्स का पैच टेस्ट करते हैं। पेस्ट के लिए थोड़ा सा वैक्स पाउडर लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के थिक पेस्ट बनाइए। पैच टेस्ट के लिए हम थोड़े सी हिस्से में लगाएंगे, इसको लगा के हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे गीले कपड़े से साफ कर देंगे।